Hello friends, welcome to our channel. Today we will discuss about internet, intranet and extranet in network. ये बहुत important topics है और इसमें बहुत अक्सर सभी लोग इसमें confused होते हैं, तो थोड़ा सा एक इसमें little bit difference है, हम आपको बहुत easy way में आज समझाने वाले हैं. So what is the internet, intranet and extranet in today's lecture? What is the internet? Internet एक बहुत सारे systems, computer systems का एक network होता है और एक छोटे छोटे network को भी मिलाकर एक बड़ा network create होता है. इस particular चीज़ को बोलते हैं internet. और internet का purpose क्या होता है, internet से हम क्या कर सकते हैं, data और information को एक end से दूसरे end पर send कर सकते हैं, रिसोर्स को शेयरिंग कर सकते हैं. कोई भी फाइल मुझे अगर इंडिया में चाहिए और मैं यूके से सर्च आउट कर रहा हूँ उसको और उसको मशीन शेयरिंग कर देंगे तो रिसोर्स शेयरिंग हो सकता है. डिवाइस शेयरिंग, मशीन शेयरिंग, मशीन को भी हम अपने सिस्टम को शेयर कर सकते हैं और कोई भी फोल्डर को यूज कर सकते हैं. सो दैट इज़ द वे बाई विच वी कैन यूज़ द रिसोर्स शेयरिंग इन फ्लो द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग. सो कनेक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड स्मॉल स्मॉल नेटवर्क लाइक लोकल एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपोलिटन नेटवर्क एंड कंट्री ऑफ वन कंट्री का एक वैन नेटवर्क और अदर कंट्री का वैन नेटवर्क कम्बाइंड होकर एक पर्टिकुलर एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट, जो एक पूरे दुनिया भर में पूरा वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है और हम सारे वर्ल्ड के किसी भी कोने से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और किसी भी मशीन को शेयर करके हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं रिमोटली लॉग इन करके. सो दैट इज़ द इंटरनेट. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रानेट. व्हाट इज़ द इंट्रानेट? इंटरनेट एक पर्टिकुलर, जब हम एक इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो एक पूरा एक ग्लोबली हम बात कर रहे हैं, अक्रॉस द ग्लोब, वर्ल्ड वाइड. लेकिन हम इंटरनेट की भी आप बात कर रहे हैं तो इंटरनेट मीन्स होता है किसी एक ऑफिस का नेटवर्क, किसी एक कंपनी का नेटवर्क, किसी एक कॉलेज का नेटवर्क, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का नेटवर्क, एक छोटे से एरिया का नेटवर्क कहलाता है इंट्रानेट. तो नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नॉन एन इंट्रानेट. इट मे कंसिस्ट ऑफ मैनी इंटरलिंक्ड लोकल एरिया नेटवर्क. इंट्रानेट हमेशा एक लोकल एरिया नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है और इसकी जो डिस्टेंस होती है नेटवर्क की बहुत कम होती है, मीन्स मीटर्स में होती है, ज़्यादा इसकी रेंज नहीं होती. तो एक पर्टिकुलर एक ऑफिस तक ही इसकी लिमिटेड रहती है. सो इंट्रानेट नथिंग बट इट इज ए प्राइवेट नेटवर्क ऑपरेटेड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक ऑफिस हो सकता है, एक पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है. तो जहाँ पर हम इंटरनेट का एक अपने एम्प्लॉय को एक सुविधा देने के लिए, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सारे सिस्टम को कनेक्ट करके एक इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ऑफिस के अंदर, दैट इज नॉन एज द कॉन्सेप्ट इंट्रानेट. इंटरनेट विद इन ए कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, दैट इज ऑल अबाउट द इंटरनेट. फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस के अंदर एक इंटरनेट यहाँ पर कनेक्टेड है, सारे एम्प्लॉय उसको यूज कर रहे हैं और दैट इज नॉन एज द इंटरनेट. और बट इंटरनेट मिलेगा कहाँ से? एक्चुअली इंटरनेट आता ही है, इंटरनेट का एक छोटा सा एक रूप है कि इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है. एक बाहर से जो एक लीज लाइन ले रखी होती है कॉलेज के अंदर या ऑफिस के अंदर, तो एक विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं इंट्रानेट. और ऑफिस के पास इंटरनेट कहाँ से आ रहा है? उसने कहीं से थर्ड पार्टी या वेंडर से किराए पर लिया हुआ है, लीज लाइन ले रखी है, उसको हम बोलेंगे इंटरनेट से कनेक्टेड है इंटरनेट. तो कम्स फ्रॉम द इंटरनेट. नाउ द थर्ड वन, एक्स्ट्रानेट. एक्स्ट्रानेट कुछ नहीं, एक बिजनेस पर्पज के लिए मैं अगर बाय द वे अपने काम से, बिजनेस वर्क से कहीं आउट ऑफ इंडिया गया, अपने ऑफिस से बाहर गया हूँ, तो मैं अपने ऑफिस के काम को, बाय द वे मुझे रिक्वायरमेंट है कि मुझे ऑफिस की साइट को एक्सेस करना है और कुछ डॉक्यूमेंट को शेयर करना है कुछ उसके पे, तो कैसे हम रिमोटली लॉगिन करेंगे अपने प्राइवेट नेटवर्क? क्योंकि एक ऑफिस का नेटवर्क जो है वो एक प्राइवेट नेटवर्क है और उसके पास जो राइट है वो उसके एम्प्लॉय के पास है, एम्प्लॉय के पास जो राइट होते हैं. तो अगर बाय द वे उस एम्प्लॉय को किसी बाहर पब्लिक प्लेस से इंटरनेट को अगर एक्सेस करना है तो वो अपने इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. तो एक्स्ट्रानेट इज एन इंट्रानेट दैट इज एक्सेसिबल बाय ऑथराइज्ड समवन. क्योंकि हर कोई इसी इस पर्टिकुलर एक प्राइवेट नेटवर्क को
एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसके पास ऑथराइजेशन होगी वो ही उस पर्टिकुलर नेट को, इंटरनेट को यूज कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर की चाबी किसी पड़ोसी को देकर जाते हैं कि मेरी अब्सेंस में आपको इसको देख रेख करनी है, तो पड़ोसी के पास एक ऑथराइजेशन है उस पर्टिकुलर ऑफिस की या पर्टिकुलर मकान की है कि जिससे वो एक्सेस कर सकता है। तो एक्सट्रानेट एक ऐसा नेटवर्क होता है जो इंट्रानेट को यूज करता है और किसी पर्टिकुलर एक बिजनेस पर्पज के लिए, जिसके पास, और वो व्यक्ति यूज करता है जिसके पास उसका राइट होता है। एन इंटरनेट दैट कैन बी पार्शियली एक्सेस्ड बाय ऑथराइज्ड आउटसाइड यूजर्स, जिसके पास राइट होगा वो उसको पर्टिकुलर इंटरनेट का या अपने ऑफिस का काम कर सकता है बाहर से। दैट शुड बी द राइट फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से उसके पास राइट होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर फाइल को यूज कर सकता है, अपने सिस्टम को यूज कर सकता है और अपने नेटवर्क को यूज कर सकता है। सो दैट कॉन्सेप्ट नॉन एज द एक्सटरनेट। सो इट इज़ ए प्राइवेट नेटवर्क, इट कैन बी व्यूड एज ए पार्ट ऑफ ए कंपनीज इंट्रानेट। एग्जाम्पल, टू शेयर ए बिजनेस इंफॉर्मेशन विद सप्लायर्स, वेंडर्स, पार्टनर सिक्योरली। तो एक्सटरनेट जो होता है वो, क्योंकि सारे जो नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं वो प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं, और प्राइवेट नेटवर्क को वही यूज पर्सनल व्यक्ति यूज कर सकते हैं जिसके पास ऑथराइजेशन हो, जिसके पास परमिशन हो कि वो अपने ऑफिस की सारी चीज़ों को यूज कर पाए, ऑथेंटिक पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ नेटवर्क में हम देखते हैं कि विद इन ए, अगर हम एक बात कर रहे हैं कि इंट्रानेट, इंट्रानेट क्या है, एक ऑफिस, दैट इज ए, मैंने एक सर्कल किया हुआ है इस पर्टिकुलर सारे और सिस्टम्स को, सो दैट इज ए इंट्रानेट। इंट्रानेट कहाँ से एक्सेस हो रहा है? बाहर से एक्सेस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो बाहर से किसी पब्लिक, इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट इज ए पब्लिक नेटवर्क। तो जब पब्लिक नेटवर्क से प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस किया जाता है विद द ऑथेंटिक पर्सन, दैट इज नॉन एज द एक्स्ट्रानेट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिजाइन इशू ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो व्हाट आर द डिजाइन इशू, कैसे हम नेटवर्क को डिजाइन करते हैं और उसमें क्या क्या इश्यूज एराइज होते हैं, तो बहुत सारे इसमें हैं। तो सब मेजर रोल प्ले करते हैं कनेक्टिविटी ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होना चाहिए, क्योंकि एक गुड नेटवर्क तभी होता है जब वो अपने डेटा को, इन्फॉर्मेशन को फ्लो करने के लिए बहुत कम टाइम लगे। रिसोर्स शेयरिंग, इजीली रिसोर्स शेयरिंग हो, एक्सेसिबल हो। ऑल सर्विसेज शुड बी सपोर्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क शुड बी वेरी हाई। सो दैट इज द ऑल अबाउट द इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्सटरनेट। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस चैनल, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड लाइक एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।